मातृवंदना सप्ताह के तहत हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे उपायुक्त हमीरपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं को बेटी के महत्व, पोषण आहार के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त हमीरपुर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के अलावा नवजात शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही मातृवंदना योजना का लाभ उठाए। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश में आज से पोषण माह भी हुआ है, जिसके तहत बच्चों को पौष्टिक आहार व संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने के साथ ही पारंपरिक आहार की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि बच्चों में अनीमिया और आयरन की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है और इसे बाल्यकाल से ही शुरू करने पर बल दिया जाना चाहिए। आज 1 सितंबर 2021 को हमने अपने जिला हेडक्वार्टर से हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई मातृवंदना योजना के बारे में जागरूकता अभियान को छेड़ने के लिए यहाँ से एक महिलाओं की और बेटियों की रैली को हरी झंडी दिखाई है और सभी को इस रैली के द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि मातृ शक्ति की जो सुरक्षा है, मातृ शक्ति की जो स्वास्थ्य है, जो उनका वेलफेयर है, ये हम सभी के लिए बहुत अहम है और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी अहम एक चीज़ है और हम आशा करते हैं कि सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो होने वाली माताएं हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इस मातृशक्ति योजना, मातृवंदना योजना का भरपूर लाभ उठाएँ और अपने पोषण का, अपने स्वास्थ्य का देखभाल जो है भरपूर तरीके से जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है उसका भी आगाज़ आज ही इस फ्लैग ऑफ रैली के साथ किया गया है। और स्वास्थ्य रहना, अब पौष्टिक भोजन लेना और बचपन से ही सही सही डेवलपमेंट, जो फिज़िकल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो बच्चों का वो फुलफिल करना, ये बहुत एक अहम जो है एक मुद्दा है। और अगर हमारे बच्चे बचपन से ही पौष्टिक आहार और पौष्टिक भोजन से पलेंगे बढ़ेंगे तो आगे को वो हेल्दी इंडिविजुअल्स बनेंगे